नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। महाराष्ट्र में सरकार की उम्र को लेकर तमाम भविष्यवाणी के बीच शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के एक साल पूरे हो चुके हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार अपने अंतर्कलह से ही गिर जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कोरोना के जबरदस्त कोहराम के बीच अपनी सरकार को बचाए रखा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक साल में राज्य में कुछ नहीं हुआ, सरकार कई मोर्चों पर फेल रही। तमाम दावों और आरोपों के बीच सरकार की परफॉर्मेंस पर आज तक से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बातचीत की है। आदित्य ठाकरे उद्धव सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अभिभावक मंत्री भी हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी साहिल जोशी ने उनसे की है खास बातचीत, सुनिए। मेरे साथ मौजूद है आदित्य, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से चली है, पिछले साल भर का अगर लेखा जोखा अगर हम देखें तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार की क्या अचीवमेंट रही है? मुझे लगता है अचीवमेंट यही है कि हम जो वचन देते हैं, दे रहे हैं, उसे हम पूरा करते आए हैं। एक साल में काफी सारे चैलेंजेस थे, जैसे कोविड था, फिर बीच में एक साइक्लोन आके गया, उसी के बाद काफी सारे मानसून के इश्यूज थे, लेकिन उसी को संभलते हम आगे आए हैं। और मुझे लगता है सरकार चल नहीं रही है, दौड़ रही है और सही ट्रैक पे दौड़ रही है। क्या ये दौड़ पूरे 5 साल तक चलेगी? क्योंकि बीजेपी के नेता अभी से ये कहने लगे हैं कि आने वाले 2-3 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चल पाएगी। उन्होंने डेडलाइन देके रखी है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अपने ही वजन से ये सरकार गिर जाएगी और तुरंत हम अपनी सरकार बना लेंगे। ये जो भाकित किया जा रहा है, ये जो भविष्यवाणी की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सरकार तो हमारी पूरी मैराथन पूरा करके रहेगी। विपक्ष जो है वो ड्रीम रन में है, उन्हें अपने सपने देखने दो, ख्याली पुलाव पकाते रहने दो, लेकिन थक जाएंगे कभी ना कभी। और यही जो काम है उन पे कभी ना कभी तो फोकस करेंगे, जो लोगों की आवाज है उस पे कभी ना कभी फोकस करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज है कि देश में जो अभी की हालात है, कभी बॉर्डर पे कुछ होता है या कभी किसानों के विषय है, कभी उस पे ये विपक्ष ने कुछ आवाज नहीं उठाई है। जो पेट्रोल के दाम है, जो अलग अलग चीजों के विषय है, उस पे कभी नहीं आवाज उठाई, लेकिन एक ही उनका सपना है कि सरकार में आओ, सरकार बनाओ, सरकार बनाओ। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को भी अभी साफ हो गया है कि काम कौन कर रहा है और सपने कौन देख रहा है। आदित्य, जब ये सरकार बनी थी तब सचमुच में लोगों को झटका लगा था कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों पार्टियां साथ में आकर ये सरकार बना रही है, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी। पहली बार महाराष्ट्र ने देखा कि ठाकरे परिवार से कोई सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री भी बन रहे हैं। पहली बार रिमोट कंट्रोल हटाकर खुद मिट्टी में उतरकर कुश्ती खेलने की कोशिश की गई है। क्या आपको लगता है कि यह फैसला सही था? क्या बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल से अपना काम चलाते थे वही चीज सही थी, या जिस तरीके से आप दोनों, आपके पिता और आप खुद मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा सही बात है? क्या अनुभव रहा? मुझे लगता है हर एक की वर्किंग स्टाइल अलग रहती है। मेरे दादाजी ऑफ कोर्स एक अलग स्टैचर के थे, उनके जैसे कोई बनना काफी मुश्किल है और हम कभी कंपेयर भी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे भी हमारे हाथों से अच्छी सेवा हो ऐसे हम करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं और पूरी जो ताकत है वो लगा के कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने में जुटे हुए। एक बिल्कुल चीज है कि ये तीनों पक्ष जब साथ में आए तो डेमोक्रेसी जैसी होती है, वैसे मुझे लगता है ये सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हुई, क्योंकि हमारे कोर आइडियल्स न भूलते हुए हम साथ में आए और कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, हम हो, अन्य सारे मित्र पक्ष हो, सभी लोग साथ में आकर महाराष्ट्र की आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल भर में देखा कि आप पर्सनल तौर पर, मतलब व्यक्तिगत तौर पर, आपको काफी टारगेट किया गया, और जाहिर सी बात है कि आप जब राजनीति में आते हैं तो इस तरीके की टीका टिप्पणी का आपको सामना करना पड़ता है, हर तरीके से आपको हर सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, दिशा सालियन का केस हो, हर केस में आपको निशाना बनाया गया। क्या आपको लगता है कि थोड़ी जाति थी उस मामले में, या आपको लगता है कि विपक्ष की तरफ से वाजिब सवाल उठाए गए? यहां तक कि कंगना रानावत ने तक आप पर जो आरोप लगाए, कहा कि आपके वजह से सुशांत सिंह केस में देरी हो रही थी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका क्या आपने जवाब देने की कोशिश की? आपने दरअसल एक स्टेटमेंट भी निकाला था, लेकिन कभी आपने इस पर बात नहीं की, कभी आपने इसका सीधे तौर पर जवाब देने की कोशिश नहीं की।
बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है कि हमेशा जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोगों की सेवा करने की, तो विपक्ष तो कंट्रोवर्सी उठाते रहता है, कीचड़ फेंकते रहता है, लेकिन उसमें ना रंगना हमारा काम होता है। उसी कीचड़ में एक तो हम कूद सकते हैं और उसी में व्यस्त रह सकते हैं, और फिर ये तो लड़ाई झगड़ा शुरू रहता है। या दूसरा है, जो लोगों ने आपको चुन के दिया है उनकी सेवा करने में, उसी में आप व्यस्त रहो। तो मैं यही चूज करूंगा कि लोगों की सेवा करने में व्यस्त रहूं, लोगों को उनके जवाब जो चाहिए वो देते रहूं और उनका काम करते रहूं। ये कंट्रोवर्सी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है और ये तो विपक्ष का काम है। लेकिन एक बिल्कुल दर्द हुआ कि महाराष्ट्र में राजनीति का स्तर इतना नीचे कभी गया नहीं था, जब ये जो मैंने पिछले 1 साल में देखा है। डेस्परेशन हर एक ऑपोजिशन पार्टी को होती है कि जो सरकार में है उनको बदनाम करे, उनपे कीचड़ फेंके जाए, कीचड़ फेंक के। लेकिन कभी इतना गंदा, कभी इतनी गंदी राजनीति मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी, ना अलग राज्यों में देखी, ना महाराष्ट्र में देखी। नहीं, लेकिन सिर्फ ये मुद्दों पर नहीं था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काफी सवाल उठाए गए। ये कहा गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से नए हैं, कोविड जैसी स्थिति हैंडल करने में महाराष्ट्र सरकार उसको हैंडल नहीं कर पाई। आज आज की स्थिति में भी महाराष्ट्र एक लीडिंग स्टेट है एक्टिव कोविड केसेस की, अगर हम बात करें तो, नंबर ऑफ डेथ्स की अगर हम बात करें तो, पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो। ये सब देखते हुए विपक्ष का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस ना होना ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए एक रोड़ा बन रहा था। आपका क्या कहना है? अगर एक्सपीरियंस या बैगेज हो या पॉलिटिक्स हो सिर्फ करना, तो मुझे लगता है कि हम उसी से दूर रहे तो अच्छा है। अभी एक्सपीरियंस हम साथ में बनाते जा रहे हैं, लेकिन एक बात जाहिर सी है कि अगर आप किसी डॉक्टर से पूछे या साइंटिफिक कम्युनिटी से पूछे, क्योंकि ये इमरजेंसी जो है, पैंडेमिक जो था, वो एक साइंटिफिक और मेडिकल इमरजेंसी थी, और उन्हीं के हिसाब से हम चले हुए हैं। खुद सीएम साहब हो, डीसीएम साहब हो, या सारे जो अन्य मंत्रीगण है, वो भी जितने साइंटिफिक तरीके से इस पर बात कर रहे हैं या इसमें जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे जम्बो फैसिलिटीज बनाई गई और जितनी ट्रांसपेरेंसी महाराष्ट्र ने रखी गई है, मुझे नहीं लगता कि अन्य राज्यों में शायद रखी हो ना हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वही वहां गया नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मुंबई में देखें, महाराष्ट्र में देखें, तो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हर एक केस के लिए हमने रखी है, और हम जो सच है वो लोगों के सामने लाते गए हैं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। उसमें से एक एग्जाम्पल हम आरे कॉलोनी का ले सकते हैं। कहा जाता है कि आपके आपके हट के वजह से वो वहां से हटा दिया गया। आपकी जिद थी कि आरे कॉलोनी में नहीं बनेगा और इसीलिए कांजूर मार्ग में शिफ्ट किया गया, और बाद में पता चला कि ये जमीन केंद्र सरकार की है। उनका दावा है कि वो केंद्र सरकार की जमीन है। जो सॉल्ट कमिश्नर है वो कह चुके हैं कि ये हमारी जमीन है। अब विपक्ष कह रहा है कि इसके वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, 8,000 करोड़ ज्यादा की लागत इस पूरे प्रोजेक्ट में लगेगी और इसका इससे नुकसान होगा, महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी से इसको भरना पड़ेगा। ये जवाब आप किस तरीके से देंगे, इस सवाल का जवाब किस तरीके से देंगे? नहीं, इसमें काफी सारी चीजें आती है। एक तो ये 8,000 करोड़, कभी 25,000 करोड़, कभी 4,000 करोड़, जैसे इलेक्शंस में बोली लगाते हैं कि किस राज्य को कितना करोड़ दे, वैसे ये मेट्रो का आंकड़ा बताते जा रहे हैं, और कहाँ से आते हैं आंकड़े इनके पास पता नहीं। दूसरी चीज ये है कि कांजूरमार्ग को लेके जाने के बाद जो हमें पता चला कि मेट्रो 3 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो था, उसे हमें ईस्टर्न सबर्ब से जुड़ा गया है। अभी तो काफी सारा पॉपुलेशन उसमें जुड़ गया है, पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब्स का मेट्रो 3 से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आ पाएगा। मेट्रो 4 इसमें जुड़ जाएगी। जो मेट्रो 6 बन रही थी, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में बन रही थी मेट्रो 6, शॉकिंग चीज ये है कि उसको अप्रूवल दिया गया था, वो बन रही थी, लेकिन उसके पास मेट्रो 6 के पास कार डेपो ही नहीं था। तो ये तो एक पता नहीं कैसे प्लानिंग होता है, या इसे एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन शायद उनका एक्सपीरियंस उन्हीं को अच्छा रहे। लेकिन ये सारी चीजें जो है, मुझे लगता है ये लोगों के सामने आनी जरूरी है। डिले तो होगा नहीं, हम टाइम में करेंगे, लेकिन मेट्रो 3, मेट्रो 6, मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो 14, ये जब हमने साथ में लाए कांजुर मार्ग में, तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ सरकार के बचाए बचाए और इसी के आगे जाके हुए 90 लाख लोगों को हमने इस लाइन के कनेक्शन में लाया है। मुझे इसे मेरा हट कहिए, इसे मेरा इनएक्सपीरियंस कहिए, लेकिन ये 50 साल की विजन हमारे प्लानर्स, सिटी प्लानर्स ने दी है। ये कुछ मेरा प्लानिंग नहीं था, ये पूरा सिटी प्लानर्स और उनके टीम का था। अब केंद्र सरकार के दावे के वजह से ये काम नहीं रुकेगा, आप इतना कह सकते हैं, क्योंकि ये मामला अदालत में जा सकता है, क्योंकि दो अलग अलग एजेंसियां इस पर दावा कर रही है, तो फिर भी ये काम नहीं रुकेगा, आप कह सकते हैं कि ये डिले नहीं हो पाएगा। नहीं, इसमें पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये प्राइवेट लैंड है,
फिर अभी कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार की है, कभी किसी और की है। मुझे लगता है ये दावे तो चलते रहेंगे, अदालत में मामला चलता रहेगा, लेकिन मुझे यही दर्द होता है कि कभी मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जनता के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो और काम को अपग्रेड किया जा रहा हो तो इनके पेट में दर्द क्यों हो, मुझे ये पता नहीं। यही सवाल होता है मुझे, इन्हें क्या तकलीफ होती है। अब ये साल शिवसेना के लिए किस तरीके से देखा जाए, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हम शिवसेना में देख रहे हैं। पहली बार ठाकरे परिवार से लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं कि जिसके साथ उनकी कभी नहीं बनी, एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं कि जिसको शिवसेना ने हमेशा हिंदू विरोधी पार्टी कहा, एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं कि जिनको शिवसेना ने भ्रष्टाचारी कहा, लेकिन अब ये तीनों पार्टियों के साथ आप काम कर रहे हैं। क्या ये शिवसेना के लिए आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है? क्या इससे शिवसेना की जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है आप किस तरीके से देखते हैं कि उसको इसको नुकसान होगा या नए लोगों को जोड़ने की इसमें कोशिश होगी? बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्ववादी का जो शिवसेना की इमेज है उसको अपने पास ले लो, वो जो वोट बैंक है वो अपने पास खींच लो, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? नहीं बिल्कुल, बीजेपी तो पीडीपी के साथ अलायंस कर सकती है, जेडीयू के साथ कर सकती है, अलग अलग पार्टियों के साथ कर सकती है और हिंदुत्व के बारे में दूसरों को सर्टिफिकेट दे सकती है। लेकिन एक बात जाहिर सी है कि शिवसेना ये पक्ष जो है वो एक इमोशंस पे चलने वाला पक्ष है, फैमिली के फीलिंग में चलने वाला पक्ष है। हर कोई हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हर एक शिवसैनिक, और जहां विश्वासघात हो उस रास्ते पे हम कभी नहीं चलेंगे। और जहां हमें विश्वास, प्रेम, प्यार ये मिला उनके साथ आकर महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा होगा तो हम बिल्कुल उसी के साथ चलेंगे। क्या आपको कभी लगा था कि जो जिनके साथ आपने इतने साल साथ में गुजारे, उनके साथ सरकार चलाई, कहा जाता था कि देवेंद्र फडणवीस और आपके रिश्ते बहुत अच्छे, हमने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी देखा था आप दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से बात कर रहे थे, आज उन्हीं के सामने आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, वही आप पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उनका यह कहना है कि जो व्यक्तिगत आरोप है वो कभी बीजेपी ने नहीं लगाए, तो अब जो वो रिश्ते हैं क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं? अभी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की के कोई रिश्ते नहीं बन पाएंगे ये हम पकड़ के चले, या जिस तरीके से राजनीति में कभी भी कोई भी ट्विस्ट या टर्न आ सकता है, यहां पर भी कुछ भी हो सकता है? हमने कभी दुश्मनी किसी से करी नहीं है, हमने कभी पर्सनल वेंडेटा कभी लिया नहीं है, ना कभी किसी के फैमिली के बारे में या कभी पर्सनल आरोप किए हैं। इक्वेशंस जो है वो बदले हुए हैं, समीकरण बदले हुए हैं, और जहां हमें विश्वास मिला, जहां हमें एक दोस्ती का हाथ मिला, जिसे हम दोस्त समझते थे वो हमें दुश्मन समझने लगा, और जिसे हम विपक्ष समझते थे वो हमारे साथ दोस्ती में आगे आया, महाराष्ट्र के लिए अच्छा करने लगा, तो फिर ये जो एक नया समीकरण बना है उसे ही हम आगे लेके जाएंगे और महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करते रहेंगे। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अब बीजेपी ने अपने नाक का हिसाब बना लिया है और वही शिवसेना का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है मुंबई महानगर पालिका। कहा जाता है कि शिवसेना का आर्थिक गढ़ मुंबई महानगर पालिका है, उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आपको आपके आप कोई आपके भी हम लोग मामले निकाल सकते हैं, आप सिर्फ हम पर आरोप कराएंगे, हम भी आप पर आरोप करेंगे। क्या इसी तरीके से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लड़े जाएंगे? क्या कांग्रेस एनसीपी को साथ में लेकर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लड़े जाएंगे? आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव? साहिल जी, इसमें से एक बात तो साफ होती है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ चुनाव 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 इसी के बारे में सोचते रहता है। मैं ये उम्मीद करता था कि उनसे अभी तो ये सारे पैंडेमिक और राजनीति के बाद कभी ना कभी तो कोविड के बारे में बात हो या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो या कोई अच्छे सुझाव दिए जाए, लेकिन एक चुनाव होता नहीं तो दूसरे चुनाव के बारे में बात करते हैं और फिर कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं ये स्टेट यूनिट और पूरा जो बीजेपी उसमें कोई ना कोई एक विचारधारा में अंतर मुझे लगने लगा है। दूसरी बात रही ये कि सीएम साहब ने यही कहा है कि डिग्निटी रखो पॉलिटिक्स में और हम सब उसी डिग्निटी से आगे जाएंगे। रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो हम सब चुनाव जो है वो साथ में लड़ेंगे, लेकिन चुनाव की बात अभी नहीं, चुनाव की बात ये चुनाव के बारे जब चुनाव का वक्त आएगा तब होगी, और जीतने के बाद हम काम करते रहेंगे, एक साथ रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी आप साथ में लड़ेंगे कांग्रेस एनसीपी के साथ में, क्योंकि काफी मुश्किल होगा सीटों का बंटवारा हो या बाकी महानगर पालिका हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो पाएगा? हम साथ में रहेंगे और साथ में जीत के मुझे लगता है लोगों को काम हमें करना है, लोगों की सेवा करनी है, वो हम साथ में करते रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। बीजेपी कहती है कि
बीजेपी कहती है कि उनके डर से आप साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो सक्सेसफुल है एक एक विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये सक्सेस है भारतीय जनता पार्टी की कि आप तीनों को साथ में रहना पड़ रहा है। जिसे दोस्ती का मायना पता नहीं चलता, जिसे दोस्ती का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, वो तो हर एक दोस्ती के बारे में ऐसे ही कहते रहेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के हमले हो या जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो जो झाड़ लगाई है बीएमसी को या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से झाड़ लगाई है वो देखते हुए ये जो मुद्दे हैं उसके वजह से सरकार की इमेज को कहीं ना कहीं धक्का लगा है, कहीं ना कहीं झटका लगा है, आपको लगता नहीं है कि उसके वजह से आपकी इमेज पर फर्क पड़ेगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार है, सामना में एडिटोरियल छप के आता है, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटना होती है और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से झाड़ लगाई जाती है, क्या इससे सरकार की इमेज पर फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि हमारे डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस काफी है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रोसेस होती है, और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से तो ये सारी चीजों में अपनी अपनी राह पर ये चलते रहते हैं और जैसे निर्णय होते हैं उसे हम फॉलो करते रहते हैं। लेकिन इससे आपकी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ा है, सरकार की इमेज पर इसका कोई असर मुझे नहीं लगता है पड़ेगा? कि लोगों लोगों का विश्वास हमारे साथ है और लोग भी और हम भी, जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ एक कोई कारनामा करेगा या मुंबई के खिलाफ होगा, बिल्कुल आप कंपटीशन कीजिए, हम खुश हैं, लेकिन दुश्मनी कीजिए तो ये नहीं चलेगा। और मुझे लगता है किसी राज्य, कोई भी राज्य ऐसे जो बदनामी करते हैं, फिजूल की बदनामी करते हैं किसी भी राज्य के बारे में, कोई भी ये बर्ताव ट्रीट नहीं करेगा बराबर से। आदित्य, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोबारा आपके पास आएंगे क्योंकि अभी आने वाले दिनों में कई सारी इस तरीके के हमलों को आपको आपको सामना करना है, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी जल्द ही आने वाले हैं, इन सारे सवालों पर दोबारा हम आपसे बात करेंगे, हमसे बात करने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।